हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास टेंथ के जो साइंस के जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम टू मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। हमारे को जो है वो दो मेटल्स ऐसी बतानी है जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, किस में से, डाइल्यूट जो एसिड्स होते हैं उनमें से। और दो मेटल्स आपको ऐसी बतानी है जो कि ऐसा ना कर सके। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ये समझिए कि हमारे को दो मेटल्स तो ऐसी बतानी है जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे किस में से, डाइल्यूट एसिड के अंदर से, ठीक है। और हमारे को दो मेटल्स ऐसी बतानी है जो कि ऐसा ना कर सके, यानी कि डाइल्यूट एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को जो है वो डिस्प्लेस ना कर सके। हमारे को दो मेटल्स तो बतानी है जो ऐसा कर सके, दो मेटल्स ऐसी बतानी है जो कि ऐसा ना कर सके। ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आपको डिस्प्लेस करना है किसी भी मेटल को, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी जो सीरीज, जो टेबल आपको बताई थी, वो अगर आपको याद हो तो वो एक टेबल थी, इस तरीके से एक टेबल बनी हुई थी। ऊपर इसके अंदर वो मेटल्स आती हैं जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, फिर उसके नीचे जो उससे कम रिएक्टिव हो, फिर उससे नीचे उससे भी कम रिएक्टिव, उससे भी नीचे और कम, इस तरीके से करते करते, और एक सीक्वेंस बताई थी कि ज़्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव की तरफ अगर हम जाएंगे तो एक टेबल बन जाएगी, और उसी को बोला जाता है रिएक्टिविटी सीरीज, जो मैंने आपको बताया था। उस सीरीज को देख कर आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन जो होता है, मान लो हाइड्रोजन यहाँ पर लाई कर रहा है इस टेबल के अंदर, तो इस टेबल के अंदर इससे ऊपर जितने भी मेटल्स होंगी वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जो मेटल्स होंगी वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आपको नहीं आती है तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, भाई देखो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर चीजों को समझना। मैं जानता हूं कि आप स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आए हो, लेकिन उसका जो फंडामेंटल जो है वो भी स्ट्रोंग होना चाहिए। अगर किसी का क्वेश्चन का आंसर आप रट रहे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, मान लो कि ए बी कोई रिएक्टेंट है और हमने जो है वो सी यहाँ पर दूसरा रिएक्टेंट ले लिया। अब हम जो है इस तरीके से रिएक्शन होगी, अगर मान लो सी जो है वो ए को डिस्प्लेस कर दे और खुद इसके जगह पर चले जाए, यानी कि सी बी प्लस ए इस तरीके से हो जाए, सी जो है वो ए को डिस्प्लेस कर दे और सी बी बना ले और ए को बाहर निकाल दे। अब ऐसा क्यों होगा सर, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ए जो है ये लेस रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन के अंदर, सी के कंपैरिजन के अंदर, ये क्या है, ये मोर रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो लेस रिएक्टिव को जो है वो डिस्प्लेस कर देता है, इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को जो है वो डिस्प्लेस कर देता है। अब इस टेबल के अंदर यहां पर जो मेटल्स होंगी वो ज्यादा रिएक्टिव होंगी, हाइड्रोजन जैसे ज्यादा जो है वो रिएक्टिव होंगी, इसका मतलब ऊपर की तरफ जितनी भी मेटल्स होंगी वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी रखती हैं, पोटेंशियल रखती हैं, और इसके नीचे जो मेटल्स होंगी वो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होंगी, तो हाइड्रोजन उनको डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन वो हाइड्रोजन को नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आएगी, लेकिन एक तो रिएक्टिविटी सीरीज जो टेबल है वो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप जो है वो अच्छे से समझ जाएं चीजों को। ये देखिए, ये है वो टेबल, रिएक्टिविटी
जो सीरीज है वो है। यहां पर हाइड्रोजन आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके ऊपर जो मेटल्स हैं वो क्या है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, और इसके नीचे जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो हमारे को जो दो चीजें पूछ रहा है कि हमारे को दो मेटल्स ऐसी बतानी है जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, तो यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स आ रही है उनमें से हमारे को दो मेटल्स बतानी है, और जो ऐसा ना कर सके तो इसके नीचे जो मेटल्स आ रही हैं उनमें से आप जो है वो दो मेटल्स लिख देंगे, तो इसका मतलब वो जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एल्यूमिनियम लिख लो, जिंक लिख लो, मैग्नीशियम लिख लो, जो आपका मन करे वो दो मेटल्स जो है वो लिख लो, और इसके नीचे अगर आपको लिखना हो तो कॉपर लिख लो, Ag लिख लो, Au लिख लो, कुछ भी लिख लो। ये जो है इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो देना है। अब चलिए अपना आंसर जो है वो किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना होगा। आंसर कैसे लिखना है, मेटल्स विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स आर मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये दो मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन को जो है वो डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, अगर आपके माइंड के अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाएगा। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये दोनों मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, इसका मतलब ये हाइड्रोजन को जो है डिस्प्लेस कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें, बिकॉज दीज मेटल्स एग्जिट एट हायर पोजिशन इन एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी जो रिएक्टिविटी जो सीरीज होती है उसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर जो है वो मिलती है, ये दोनों जो मेटल्स हैं वो। मेटल्स विच विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स आर कॉपर एंड एजी। कॉपर एंड एजी जो है वो कहां पर होंगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना। कॉपर एंड एजी दोनों जो है, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के नीचे है टेबल के अंदर, इसका मतलब ये इससे कम रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, इसका मतलब हाइड्रोजन को जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर वो मेटल्स बतानी है जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, वो हमने क्या क्या बता दी, कॉपर और एजी। बिकॉज दीज मेटल्स एग्जिट एट लोअर पोजिशन इन एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटीज जो सीरीज होती है वो हाइड्रोजन के लोअर पोजिशन के अंदर जो है वो आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको जो है वो इसका आंसर लिखना। एक आपके लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। इस ऐप के अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ एक काम और कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई डाउट आता है या फिर आपको अपनी क्लास की नोट्स वगैरह चाहिए हो व्हाट्सएप पे, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 8696608541, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपने जो नोट्स वगैरह हैं वो ले सकते हैं, या फिर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जो आंसर है वो समझ में आया होगा, मैंने बिल्कुल एक एक चीज़ को जो है वो बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हुआ हो, लेकिन फिर भी मैंने जो है हर एक चीज़ को जो है वो समझाया है। आपको जो है आंसर रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि साइंस जो है वो एक समझने वाली सब्जेक्ट है, इसको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको जो है हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।